وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لا على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. حمد و ثنا اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام الانبیاء فخر انسانیت محسن اعدا حبیب کبریا، میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبی، سیدنا کریم جناب محمد مصطفی صلی اللہ، سب مل کر کے با آواز بلند با آواز محبت کہہ دیں، درود پاک پڑھ دیں، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ وسلم واسطے. میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دی وقار بزرگو قابل صد احترام میری روحانی ماؤ معززات بہنوں معزز دی وقار علماء کرام حفاظ کرام، توجہ فرمانا، قرآن پاک وچوں سنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت طیبہ وچوں اج بھی مسلمانہ دا بڑا اشکال بڑا مسئلہ، لوگ اس بارے اندر طرح طرح دیاں باتاں کردے نے، طرح طرح دے عقائد رکھدے نے، عقیدے دے حوالے نال گفتگو کراں گا. توجہ فرمایا جی، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ مینوں تینوں میریاں تیریاں اولاداں نوں قیامت تک قرآن و سنت دے پابند بنا کے رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی بعثت دے حوالے نال قرآن بنایا. قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا، فرمایا جی یا ایوہ النبی ان أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. اللہ فرمایا اے میرے محبوب،
मैं तुहानू शाहिद बना करके मुबशिर बना के नजीर बना करके भेजिया गे, यानी गवाह बनाया उम्मत ते तुहानू गवाह बना करके भेजिया। ऐ मेरे महबूब जी, असी तुहानू खुशखबरियां देने वाला पैगंबर बना के भेजिया, असी तुहानू जहन्नम को डराने वाला अल्लाह दे अज़ाबा को डराने वाला पैगंबर बना करके भेजिया। यानी अल्लाह फरमांदे ने मेरे महबूब पैगंबर, असी तुहानू मबूस फरमाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सारी जिंदगी मुबारका, मेरे नबी अलैहि सलातो वस्सलाम दी हयाते तैयबा, मेरे नबी ने अल्लाह दे हुक्मा दे मुताबिक गुजार छड़ी। मेरे नबी कदी भी अल्लाह दे हुक्म तो इंच भी इधर उधर नहीं होए। मेरे नबी जर्रा भर जर्रा भर जर्रा भर जर्रा भर दीन अंदर मेरे नबी ने अपने कोलों मामलात दखल नहीं फरमाए, क्योंकि नबी पैगंबर दा ते मकसद ही फौत हो जांदा है। यानी पैगंबर नबी पैगंबर मैसेंजर रसूल सारे हम माना लफज ने, यानी अल्लाह दा पैगाम पहुंचाने वाले अंबिया सारे दे सारे बरगुजीदा ने, अंबिया किराम सारे दे सारे आला ते अरफा ने ना। लेकिन इन्हां सारियां दे विचों सब तो ज्यादा फजीलतां वाला, सब तो ज्यादा इज्जतां ते अजमतां वाला अल्लाह ने मेरे मुहम्मद मुस्तफा नू बनाया। यानी मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी जाते तैयबा, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जाते मुबारका, अल्लाह दी जात तो बाद अगर कोई जात काबले जिक्र काबले फजीलत ते मेरे मुहम्मद मुस्तफा दी जात। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। साहिब दिल के आजब जे अंदाज दे नाल नक्शा खिंच गया के ना, बड़ियां सारियां तकरीरां नू चंद जुमलियां दे अंदर समेट गया। लिखदा कहंदा है, हुजूर आए तो चमकी फिक्रे इंसानी की तनवीरे। मेरे नबी दे आवन तो पहले ते बेरहरवी दा शिकार सारे दे सारे, ना अल्लाह दा पता ना खुदा दा पता ना इलाह दा पता ना महबूब दा पता ना मुआमला दा पता ना दियां बहना दे हुकूक दा पता। यानी इंसान सारे दे सारे परेशानी ते तकलीफ अंदर मुबतला सन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद मुबारक होंदी है, अल्लाहु अकबर। क्या अजब जे अंदाज दे नाल नक्शा खिंचिया है, हुजूर आए तो चमकी फिक्रे इंसानी की तनवीरे। हुजूर आए तो टूटी जबरो महकूमी की जंजीरे। जमे जहनों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। यतीमों और फकीरों को पनाहें मिल गई आखिर। हुजूर आए तो जर्रों को निगाहें मिल गई आखिर। तहजीब आई तमद्दुन आया, ये पता तो वे तहजीब ते तमद्दुन दा। तहजीब आई तहजीब अपनी होया करदी है, तमद्दुन किसे भी कौम दा लिया जा सकदा है ना। तमद्दुन अंदर चीजा इजादात होंदियां ने, अल्लाहु अकबर। जहाज ते पंखे ते तीसरा सारा इजादात नु तमद्दुन बोलिया जांदा है। तहजीब की है कि असी मुसलमान असी आका सोने दे गुलाम, असी अखले बैते तार ते सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाई
इन्हां दीयां जिंदगियां दी तरफ वेख के अपनी जिंदगी नूं यानी अपने राह नूं सिद्धियां करने दी कोशिश करी दीए। सुन सुन तखजीब आई तमद्दुन आया अमन आया करार आया। मेरे नबी जी दे तशरीफ लियां नाल ना ढोल आया ना बाजा आया ना सरंगी आई ना नचार आया। मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया फरमाया मेरे सहाबा अल्लाह ने मैनू सलीब नू ते आला ते मुसीकी नू तोड़ने वाला पैगंबर बना के भेजे आए। फिर मैं क्यों ना कहां के ना ढोल आया ना बाजा आया। तू नबी दे नाम ढोल दी थाप ते लवे तू मौसीकी आला ते मौसीकियां दे अंदर ते डांस ते भंगड़े डालदियां होया लवे तू धमालियां पांदियां तू एहो जी वा ना ना ए ते सोने नबी दी गुस्ताखी ए सोहणिया। तहजीब आई तमद्दुन आया अमन आया करार आया। हुजूर आए तो आलम में बहार आई बहार आई बहार आई निखार आया। अल्लाहु अकबर तेनू हुण बात अगली अगला मसला समझांदा जावां। अल्लाहु अकबर ला अल्लाह अगली कुराने पाक दी मैं जड़ी आयत मुबारक पढ़ी है ना सुनदा जा ते तवज्जो फरमांदा जा। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने फरमाया फरमाया इन अल्लाह अला 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 कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह मेरा सोहना हर चीज दे कादिर है। जदो मनना है कि अल्लाह कादिर है कुरान दी आयत पढ़ना है कि अल्लाह कादिर है हर चीज ते अल्लाह कादिर है टोटल ते कुल्ली इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। फिर क्यों दर दर ते दुर दुर करांदा फिरना है फिर क्यों दर दर ते धक्के कांदा फिरना है। अल्लाह फरमांदे ने सारे इख्तियार मेरे कोल ने। कुरान पाक दी आयात दा तर्जमा है। अल्लाह करीम ने फरमाया मैं धियां देवां मैं मर्जियां वाला मैं पुत्र देवां मैं मर्जियां वाला मैं मीह बरसा देवां बारिश आता देवां ते मैं मर्जियां वाला मैं जमीन नू बंजर ते कहत वाली बना दियां ते मैं मर्जियां वाला मैं तेरे अगे रिज़्क दे ढेर लावां ते मेरियां मर्जियां मैं तेरा रिज़्क लै लवां ते मेरियां मर्जियां मैं तेनू सेहत अता फरमावां ते मेरियां मर्जियां मैं तेनू तंदुरुस्ती अता फरमावां ते मेरियां मर्जियां मैं तेनू मंजे ते बैड ते लिटा दियां ते मेरियां मर्जियां। कोई मेरी मर्जी दे बगैर दम नहीं मार सकदा क्यों इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। फरमाया मैं हर चीज ते कादिर हां यानी अल्लाह सुबहानहू व तआला हर चीज ते कादिर ने ते सारे दे सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ओ विरिया इलाह इलाह होया करदा है इलाह इलाह होया करदा है माबूद माबूद होया करदा है खालिक खालिक होया करदा है। खालिक कदी भी मखलूक नहीं बन सकता ते मखलूक कदी भी खालिक नहीं बन सकदी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं तू की समझने ना बोले ते सादा जे मुसलमान वीर अल्लाह कुरान पढ़दे नहीं सुने नबी दी हयात तैयबा दा सही अहादीस ते सही सुन्नत रसूल दा मुतालिया करदे नहीं ते विरिया गुमराही ते आपे ही आनी है। जदों ये बात कीती जांदी है तुसी ते जी सानू गुमराह आखदे हो तुसी ते सानू मुशरिक आखदे हो तुसी ते सानू फलां कहंदे हो असीं आने वीरे गल
सिर्फ इन्नी है इस्लाह वास्ते बातां करी दियां ने ना, अगर इस्लाह मकसूद ना होवे, अगर इस्लाह मकसूद ना होंदी ते मेरे नबी सहाबा नु की सिखलांदे, मेरे नबी दी बेसत दा मकसद की सी ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी आए जेड़े भटके हुए सन उन्हां नु राहां ते पाण आए, सीधियां राहां ते चलाण आए। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, समझ समझ कुल कुल होया करदा है ते जज जज होया करदा है। कुल कदी जज नहीं बन सकदा ते जज कदी कुल नहीं हो सकदा। कुल टोटल, आल टोटल, हर चीज टोटल तमाम कुल, ओदे जज नहीं समझ आए। लम यलिद वलम यूलद, हुण समझ आई ना, मैं किसे ना मैनू किसे ने जनिया, ना मैं जनिया गया, ना मेरे च कोई निकलिया, ना मैं किसे च निकलिया। मैं अव्वल, हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल जाहिर हुवल बातिन। अल्लाह फरमाते ने मैं अव्वल हाँ, अबद अबद से लेके। शैतान कहता अल्लाह के बारे सोच कदों, अल्लाह अल्लाह नु किन्ने बढ़ाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतानी वसवसे ने, अस्तग़फिरुल्लाह आऊज़ु बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बढ़िया करो। ये शैतानी वसवसे ने, हुवल अव्वल का मतलब ओही अव्वल, इब्तिदा तो इब्तिदा कदों हुई ओनू ही पता है। इब्तिदा तो मेरा अल्लाह कल्ला सुभानहु व तआला विरिया, तवज्जो फरमा, यानी खालिक मखलूक नहीं तो मखलूक खालिक नहीं। जिवें अल्लाह अपनी जात अंदर कल्ला, उवें अल्लाह मेरा सोहना अपनी सिफात अंदर भी। बोल जरा, अल्लाह कल्ला अपनी सिफतां दे अंदर भी अल्लाह कल्ला है ना, यानी सिफतां दे अंदर भी कोई इख्तियार नहीं रख सकता। तुसी कहोगे ना जी, वेखो ना जी, अब ते रब दा फर्क वेख। मैं तेनू एवें मसला समझा दिया, टाइम थोड़ा है ना, यानी अब जड़ा होया करदा ते रब होया करदा है, काम दोवें इक्को ही करदे ने, दोवें ही पालदे ने। रब भी पालदा है ते अब भी, अब्बा बाप अब भी पालदा है ते रब भी पालदा है, लेकिन अब दी इबादत नहीं रब दी इबादत है। अल्लाहु अकबर लाला, अल्लाहु अकबर गवीरा, अल्लाहु अकबर, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह को लेना। तवज्जो फरमाना, मैं अपनी तमहीद खत्म करके अपनी बात शुरू करा। अल्लाहु अकबर लाला, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी मुबारक दे अंदर बड़े सारे ऐसे वाकयात आए ने ना, बड़े सारे ऐसे मुआमलात होए ने। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ते कितनी देर वही भी बंद रही है, वही नहीं आ रही। मेरे नबी अपनी मर्जियों बोल दे नहीं ने, अल्लाह दे हुक्म दे इंतजार अंदर, अल्लाह दे आर्डर दे इंतजार अंदर। अगर मेरे नबी मुख्तारे कुल सन, टोटल इख्तियार मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे कोल सन, ते फिर मेरे नबी नु बोलना चाहिदा सी ना। मेरे नबी दे कोल चंद लोग आए ने, मेरे नबी दे कोल मदीने अंदर चंद लोग आए, आकर के अर्ज करदे ने जी साडे साडी बस्ती दे अंदर, साडे इलाके दे अंदर तबलीग दी जरूरत है। चंद अपने उलमा कुर्रा हुफा सहाबा भेजो सानू दीन सिखलान। मेरे नबी ने 70 कारी कुरान, 70 कारी कुरान सहाबा दा गुलदस्ता इना दे नाल रवाना फरमाया। मेरे नबी दे सहाबा नू इना बदबख्त ना सोने नबी दिया दुश्मना ने परा ले जा करके पहाड़ी तो परा हो करके कतल कर छड़े आए, शहीद कर छड़े आए। मेरे नबी तक खबर पहुंची, मेरे नबी रो रो के निढाल हो गए। अल्लाह दे सामने मेरे नबी बोलते अल्लाह अल्लाह जी, अल्लाह के मेरे साहबा, अल्लाह कल्ले कल्ले ते मैं बड़ी मेहनत की, अल्लाह मैं कल्ले कल्ले ते बड़िया तैयारियां कीता, अल्लाह मैं कल्ले कल्ले ते बड़िया मेहनत कीतियां। अल्लाह मेरे 70 कारी कुरान हाफिज़े कुरान उलमा साहबा नू शहीद कर छड़िया। अगर मेरे नबी सारे इख्तियार दे मालिक सन ते मेरे नबी कदी भी अपने साहबा नू कुर्बान ना होण दिंदे। मेरे नबी नू पता होना सी तुसी ते साहबा नाल ए सलूक करोगे जा करके, इत्थे नबी नबी लफ्ज़े नबी दी समझ आएगी ना। नबी नाबा बुंदे विच आउंदा, अरबी दा लफ्ज़ नाबा ओदा यानी मतलब खबर देना, खबर देने वाला नबी, खबरें बतलाने वाला। खबरें उसके पास आती कहाँ से हैं? अल्लाह से, अल्लाह की तरफ से वही नाजल होती है। उनको ख्वाब में बात बतला दी जाती है, जब वो आराम फरमाते हैं तो ख्वाब में बात उनके दिल में इल्का कर दी जाती है, वही डाल दी जाती है। जिब्रील आ जाता है, अल्लाह डायरेक्ट बात कर लेते हैं ना, यानी वही दियाँ किनिया मुख्तलिफ सामने ना। फिर नबी वो खबर देंदे ने जी अल्लाह ने नबी नू खबर दी होंगी है।
पैगंबर ते रसूल अल्लाह दा पैगाम देंदे ने, यानी अल्लाह दी तरफ बुलांदे ने। उस शरीयत जड़ी जड़ी शरीयत जिस भी नबी ते नाजल होई है ना, अल्लाह अकबर, जिस रसूल ते शरीयत नाजल होई है, सब तो ज्यादा शरीयत दे पाबंद अंबिया व रसूल होया करदे ने। दीन दी सब तो ज्यादा पैगंबर जड़ी पाबंदी है ए अल्लाह दे प्यारे नबी प्यारे रसूल फरमाया करदे ने। सब तो ज्यादा पाबंदी उम्मत वास्ते तो बड़ियां छूटा ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। आ जरा तेनू होर एक मिसाल दे करके समझावा। अद्धी रात मेरे नबी अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर मुबारक ते आराम फरमा रहे ने। ओ दिन हजरत आयशा दे घर दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी, मेरे नबी ने जड़ी जड़ा दिना दे अंदर तखसीस फरमाई हुई सी, मेरे नबी इंसाफ पसंद, मेरे नबी इंसाफ फरमाने वाले, कोई मेरे नबी जैसा मुनसिफ नहीं हो सकता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम हजरत आयशा के घर अंदर तशरीफ फरमाने, रात अद्धी रातों ढली हुई, मेरे नबी आराम फरमा रहे थे, बिस्तर मुबारक ते लेटे हुए ने ना। हजरत आयशा फरमांदिया ने, दरवाजा खटकिया, मैं सौंदी ते यानी सौना यानी सुती ते जागदी दरमियानी कैफियत अंदर सना, यानी ना नींद अंदर ते ना पूरा जागने के अंदर, दरवाजा खटकिया ते मैं जल्दी नाल जल्दी दरवाजे ते लपकी। ओ मेरी रूहानी मां बहन तवज्जो फरमा, हजरत अम्मा आयशा फरमांदियां ने, मैं जल्दी नाल छेती नाल दरवाजे ते लपकी के किधरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आराम मुबारक अंदर, नींद मुबारक अंदर खलल ना आ जाए, मेरे नबी बेदार ना हो जान। क्यों? मेरे नबी ते सारा दिन मसरूफ रहंदे ने, रात सारी सारी अल्लाह दे बूहे खलोते रोंदियां गुजार छड़दे ने। उम्मत दी बख्शिश वास्ते दुआवां अंदर रातां गुजर जांदियां ने, रो रो करके आका निडाल हो जांदे ने, मसरूफ मसरूफ मेरे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा फरमांदी ने, मैं छेती नाल दरवाजे ते जाकर के पुछया, कौन मन दत्तल बाप केड़ा जिन्ने दरवाजा खटखटाया, अद्धी रात कौन दरवाजे ते आ गया। मेरे नबी ने फरमाया, एवें ही किसे नु बिला मकसद अद्धी रात किसे दे घर ना जाया करो, बगैर मकसद तो तंग ना करया करो, परेशान ना करया करो। हजरत आयशा पूछया, कौन दरवाजे ते आन वाला? अगे एक बीबी है ते रोई हुई भर्राई हुई आवाज ना, यानी बंदा जी मैं रो के बात कर रहा हुंदा है, कहंदी आयशा मैं खौला, आयशा मैं खौला, वहां आयशा मैं खौला। मुफस्सरी ने किराम ने दो नाम लिखे ने, यानी नाम ते खौला ही है, या खौला बिनत सालबा या खौला बिनत खवैलद, इन्हां दोवां चो कोई, यानी एक हजरत खौला। अर्ज कर दी ने आयशा खौला, हजरत आयशा पूछने, खौला तेन की वजह बन गई, तू अद्धी रात आज गई है? अल्लाह अकबर। खौला कहंदियां ने, आयशा मेरी ते दुनिया उजड़ गई है, आयशा कयामत सुगरा मेरे ते बीत गई है, मैं इंज लगता कि कयामत आ गई है, मेरे वास्ते ते कयामत आ चुकी है। आयशा मैं अल्लाह दे नबी दे नाल गल करने वास्ते आई हाँ। आयशा दरवाजा खोले ना, हजरत आयशा दरवाजा खोल दिया ने, हजरत खौला ते हजरत आयशा इवें घर दे कोने दे अंदर, हदीसे पाक अंदर आंदा है, बुखारी पाक दा मफहूम बयान करदा जावां, हजरत आयशा ते हजरत खौला नुक्कर दे अंदर लग करके आपस अंदर तकरार कर रही होंदिया ने, आपस अंदर गलबात कर रही होंदिया ने। हजरत खौला कहते हैं, आयशा मैं अपने बंदे की बड़ी खिदमत की, अपने बंदे की बड़ी ताबेदारी की, ओदे सोहने सोहने हीरिया वर्गे पुत्रां नूं पालदी पई हां, लेकिन आयशा अज मेरे तो कोई ऐसा मामला होया, बल भी कोई एड्डी वड्डी नहीं सी, उन्हें मैं गुस्से अंदर आके माख छोड़े आए, उन्हें आख्या कि अज तो बाद तू मेरे ते एवें हराम है जिवें मां हराम होंदी है, यानी अज तो बाद जिवें बहन हराम होंदी है, माख लेना या बहन कह लेना, ये बंदे ने माख छोड़िया। जमाना जहलीयत का दस्तूर ते कानून सी ना, जदों कोई मां कह देंदा ते पक्की तलाक वाकया हो जाती, दोबारा वो औरत उहदे घर दे अंदर बस नहीं सी सकदी, उस घर अंदर बस नहीं सी सकदी। हजरत खौला कहंदियां ने, गल बन गई है, मैं ते हुण मैं जावां ते जावां किहड़े पासे, मेरा ते कोई ठिकाना ते थां ते मंजिल भी कोई नहीं है। आयशा जदों मैं रुवे जमीन ते नजर मारी ते मेरे ज़हन अंदर हजरत मुहम्मद मुस्तफा दा ख्याल आया, हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा ख्याल आया। मैं क्या खौला, अगर दुनिया ते तैनू कितों खैर पै सकदी,
दिए ते प्यारे जनाबे मुहम्मद मुस्तफा दे बूहे तो खैर लभ सकदी है। ओथे चली जा मैं आ गई अल्लाह दिन बिनु जगा दे, मैं परेशान हुजूर नु जगा दे। दोवें गल कर रही होंदियां ने इधरों में दो जहाना दी रहमत मेरे प्यारे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी बिदार होंदे, हुजूर बिदार होया ते वेखिया को गल्ला कर रही है आयशा दे नाल, बीवी गल कर रही है। हुजूर फरमांदे ने कौन गल्ला करने वाली आयशा, कौन आ गया है? अल्लाहु अकबर। देखो अल्लाह जल्दी ना लगे होंदियां ने, अर्ज कर दिया ने अल्लाह दे रसूल मैं तुहाडे बूए तो खैर लैण वास्ते आई हां ना। अल्लाह दे रसूल इंज मुआमला हो गया है, मेरे खामद ने मैनू मां आख दिता है, मैं ते रुल गई हां। अल्लाह दे नबी मेरा कुछ करो। हुजूर फरमांदे ने खौला इस जमाना है जहलीयत दा दस्तूर ते कानून एवें ही चलिया आ रहा है। जमाना है जहलीयत दियां जड़ियां अच्छियां बातां सन इस्लाम ने उन्हां नूं कबूल कीता, इस्लाम ने उन्हां नूं एक्सेप्ट कीता। जिहड़ा निकाह हुंदा है ए वी ते जमाना है जहलीयत दे अंदर वी ते एवें ही इक निकाह होया करदा सी। अच्छी चीज सी इस्लाम ने बाकी रख ली। मैं कहना हर अच्छी चीज इस्लाम है, हर अच्छी चीज इस्लाम अंदर नहीं, हर अच्छी चीज इस्लाम के मुताबिक इस्लाम है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हर चीज फितरत के मुताबिक इंसानियत के मुताबिक वो इस्लाम है, वो दीन है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह। हजरत खौला इतनी बात कर दिया, मेरे नबी फरमाया खौला ए जमाना है जाहिलियत दा कानून ते दस्तूर चलदा होया आ रहा है ना, इहदे बारे अंदर अरशां तो कोई फैसला भी नहीं आया, हले तक इहदे बारे अंदर रहनुमाई हर शांत को रहनुमाई नहीं आई। पैगाम मैं पैगंबर हाँ, मैं कौन हाँ? पैगंबर हाँ, मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। बोल मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। पैगाम नहीं आया, हजे को वही नहीं आई मामले दे बारे अंदर, ते मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुली इख्तियार कौन? बोल टोटल इख्तियार के दे कुल ने मेरे अल्लाह को। अल्लाह ने भी फरमाया खौला नाले तू अल्लाह का कुरान नहीं पढ़िया। अल्लाह ने कुरान अंदर सूरह हाका दे अंदर मैनू इंज मुखातिब फरमाया है। मैं कुरान पाक दिया जदों आए तो पहली मरतबा तर्जमे नाल पढ़िया ते कंब गया। अल्लाह फरमांदे ने वलौ तक्वला अलैना वलौ तक्वला अलैना बादल अकावील। फरमाया ए मेरे महबूब पैगंबर, अगर तुसी कोई ऐसी बात मेरी तरफ मनसूब कर छड़ी जेदा मैं तुहानू हुक्म ना दिता होवे, जेदा मैं तुहानू आर्डर ना दिता होवे, मेरे बल्ले गल मैं कीती नहीं, मेरी तरफ वही आई नहीं, तुसी अपने कोलो ही कोई बात कर छड़ी, ला खज़ना मिनहु बिल यमीन। अल्लाह फरमांदे ने महबूब जी असी तुहानू सज्जे बाजू तो पकड़ लवांगे, ताकतवर बाजू सज्जा होंदा। अल्लाह फरमाया मैं इंसान तेरे ए नबी मैं तेरे से तुहाडे सज्जे बाजू तो पकड़ लांगा। अल्लाहु अकबर। कभी अगलियां इतना पढ़ेंगा ते यकीन जान हिल के रह जाएगा। फरमाया सुम्मा लकतना सुम्मा लकतना सुम्मा लकतना मिनहुल वतीन। अल्लाह फरमांदे ने फिर असी तुहाडी शख रग कट देईए जीजीन। पूरी कायनात मिलके पूरी रुवे जमीन मिल करके सारिया ताकत मिल करके मेरे महबूब साडा कुछ बिगाड़ सकदियां, सानू नहीं कोई साढ़े गोडे नहीं लवा सकता, सानू कोई आजिज नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते ने लेकिन मेरे महबूब मैनू पता है, मैनू पता है कि वमा यंतिकु अनिल हवा, तुसी मेरी मर्जियों बगैर बोलना ही नहीं, मेरे हुक्म दे इनकारी होना ही नहीं, तुसी को गलती करनी नहीं है, ऐसी कोई बात करनी नहीं, लेकिन कानून कानून है, कानून सारे वास्ते यकसां है। दीन अंदर को वादे घाटे दे इख्तियार कर सकता, अपने कोलों को नमाज दा तरीका जारी नहीं कर सकता, अपने कोलों को रोजे दा तरीका
नहीं जारी कर सा, अपने कोलों को निकाह का तरीका नहीं जारी, अपने कोलों को जनादे दो दफनान का तरीका नहीं जारी कर सकता, अपने कोलों को कमान का तरीका नहीं कर सकता, अपने कोलों सूद नू हलाल ते हराम, ना 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 ये हराम है हराम रहेगा। जड़ा सूद सूद खोर है अल्लाह नाल जंग करदा है, अल्लाह नाल जंग करदा है, जेदी रब नाल जंग है ते फिर ओदा की बनेगा सोने। अल्लाह अकबर, आ इसराइली सूद खोर अल्लाह नाल जंग करने वाले, अल्लाह ने चंद मुठ्ठी भर जांबाजा दे हथों इन्हां नू नाक दी धूल चढ़ा दिती, पूरी दुनिया दे सामने इन्हां दे ओ खब्बे बने हुए ओ ताकतां, ओ जिहड़ा पूरी दुनिया नू दस्सिया सी सब तो ताकतवर फौज ताकतवर, इन्हां दीआं वर्दियां ताकतवर, टेक्नोलॉजी पावरफुल है, साडे निजाम बड़े बहुत ज्यादा पावरफुल ने। अल्लाह ने तो इवें फरमाया जिवें कीड़ियां कोलों चींटियां कोलों हाथी नू मरवाया जांदा है, अबाबीलां कोलों अबाबीलां कोलों नहीं, उन्हां दे पंजियां दे अंदर छोटियां छोटियां किंकरियां दे कोलों लाहाथियां नू मरवांदा है। अल्लाह अगर मैं तू ना निकली अल्लाह दे रस्ते दे अंदर, मैं तू ना निकली फी सबीलिल्लाह, लेकिन अल्लाह ने इंतजाम फरमाए ने। इते सिमत दी बात है कि मेरी तेरी सिमत केड़े पासे, मेरी तेरी समत ओ जड़ा गिरगट या जड़ी छिपकली अगनू फूका मार रही सी, असी उस पासे खलोते हैं, या वो जड़ी चिड़िया चू चंजर पानी लैके आ रही सी, ना उदियां फूका नाल अग भड़क उठनी सी ज्यादा, ना उदियां चूचा दे नाल पानी पा के अग कोई बुझ जानी सी, ना 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 ना, ये तो संत दी बात है। साड़ी सिमत अल्लाह वालियां दे नाल, साड़ी सिमत उन्हां दी तरफ, साड़ियां दुआवां उन्हां दी तरफ, साड़ा कमजोर ईमान उन्हां दी तरफ, साड़े दिल उन्हां दी तरफ, साड़े अखां दे अथरू उन्हां वास्ते, जिहड़े अल्लाह दी राह अंदर राहे फी सबीलिल्लाह, अल्लाह दे कलमे ते अल्लाह दे दीन दे झंडे नूं उठा करके खड़ोते हुए पूरी दुनिया की परवाह ना करने वाले, साड़ियां साड़े साड़ियां साड़ियां दुआवां साड़ियां दुआवां उन्हां वास्ते। अल्लाहू अकबर, अल्लाह साडे दिल उन्हां दे नाल ने ना। अल्लाहू अकबर कबीरा, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब कानून कानून है ते सारियां वास्ते इकसां है। मेरे नबी फरमांदे ने खौला तेनू मसले दी समझ नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह फरमांदे ने लिहाजा मसला अजे तक एवें ही है, आसमाना तो कोई वही नहीं आई, तो मैं ये बारे अंदर फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। बात ख़त्म नहीं हुई, टाइम ख़त्म हो गया। अकूल कौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अगले जुमे इंशाल्लाह इस मजमून नूं असीं इत्थों ही स्टार्ट करांगे, दोबारा तशरीफ लिया जे टाइम नाल इत्थों ही गल शुरू करांगे, फिर अगे मजमून चलावांगे, अगले जुमे मुकम्मल कर देंगे। बात तो मुकम्मल नहीं होती, दो साल भी एक मजमून लिया जा सकता है, लेकिन बात सिर्फ अकीदे की बात है ताकि बात समझ आ सके। अकूल कौली हादा सफर।